कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आप क्या टाइटल? मेरी जर्नी जो थी वो GWR गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की थी. तो स्टार्टिंग तो वो एक ड्रीम से स्टार्ट हुआ था. मतलब ये मेरा तो था ही कि कुछ अलग करना है, साथ में फैमिली का था, मतलब पेरेंट्स का और मेरी मम्मी का सबसे मेन था कि कुछ अगर तुम्हारे को कुछ भी काम आता है, चाहे छोटे से छोटा या कुछ भी, तो आप उसको सिर्फ अपने तक सीमित रखने के बजाय कुछ इंडिया को रिप्रेजेंट आपको करना चाहिए, जिससे आप भी किसी से मोटिवेट हो और आपसे भी कोई एक आधा जना भी मोटिवेट हो, तो हमारे इंडिया के लिए काफी अच्छा रहेगा. तो ऐसे स्टार्ट हुआ. फिर मतलब काफी चीजें सोची कि किस में क्या करना चाहिए, कौन सा रिकॉर्ड करना चाहिए, उसमें क्या चीज करनी चाहिए. तो सबसे मेन देखा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता. तो फिर उसमें हमने स्टार्ट करा देखना कि किसमें मैं कर सकती हूँ. तो काफी टाइम तक सर्च करा, रिसर्च, गूगल, बहुत चीजें, बहुत टाइम लगा था उसमें. फिर देखा कि लार्जेस्ट ड्राइंग बाय एन इंडिविजुअल का है एक, कि मतलब आपको अकेले ड्राइंग बनानी है. तो वो मुझे लगा कि वो मैं कर लूंगी. तो देखा कि एक साइप्रस करके है, वहाँ का एलेक्स है, उन्होंने 59x59 पे एक ड्रॉइंग बनाई थी. तो मैंने सोचा मैं 70x70 पे बनाऊंगी. तो इसको पूरे को करने में मतलब लगा थोड़ा टाइम कि ओके मैं इस पे काम कर लूंगी. फिर आया मेन कि चलो इस पे तो बना लोगे, ये तो हो गया. फिर हुआ कि बनाएंगे क्या, ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था कि क्या ऐसा बनाए जिससे कि ये ना हो कि सिर्फ मैंने सबसे बड़ी ड्रॉइंग बनाई, ऐसी चीज हो जिसमें किसी को भी मतलब वो उस चीज को भी सीखे कि भाई इसने क्या बनाया है. मतलब सिर्फ ये ना हो कि कुछ बनाया, बनाने के तो सिर्फ मैं कुछ भी बना सकती थी, फ्लावर बना देती कुछ भी, बट एक थीम होनी चाहिए अच्छी जिससे कुछ लोगों को भी उसके बारे में पता चले. तो उसमें तो और भी बहुत ज्यादा टाइम लगा. मतलब वो सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगा, तो उसको करने में इतना टाइम लगा कि क्या बनाएंगे, क्या टॉपिक होगा, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज आपको बनानी है उस ड्राइंग में पूरी, जो थोड़ी खूबसूरत भी लगे और लोगों को समझ भी आए, और उससे कोई भी अगर एक आधा जना भी कुछ सीखता है तो वो एक बहुत अच्छी चीज होगी. तो वो देखा. फिर उसमें ये था, टॉपिक भी मैं बता देती हूँ आपको, आपको पता ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किया था. जिसमें क्या था, मतलब रिसर्च पे ये पता चला कि बहुत ही कम लोगों को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है. मतलब ये वर्ड ही नहीं पता था किसी को, और जिस पे हमारे इंडिया और वर्ल्ड पूरा बहुत काम कर रहा है. वो उसका मीनिंग ये है कि भाई जितने भी सस्टेन रख सके हम कोई भी चीज को, जैसे पानी है उस पे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन पे काम भी कर रहे हैं, बट फिर भी, और लोगों को मतलब भी पता है कि क्या है, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता कि ये वर्ड क्या है. लोगों को इस वर्ड का अवेयरनेस नहीं थी. तो इस अवेयरनेस के लिए हमने टॉपिक भी ऐसा चुना कि लोग इसके बारे में अवेयर हो, और आर्ट जो है, इंडिया को हम आर्ट के फील्ड में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और थोड़ी बहुत ठीक है, लोग बहुत ज्यादा सोच काफी चेंज हो गई है लोगों की, बट फिर भी एक आर्ट के फील्ड में कि कोई जैसे लड़की या कोई भी इंसान कैसे वो चीज कर सकता है, एक वो भी जैसे लोग मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि हाँ तुम कर सकती हो, वैसे क्या पता किसी एक जना भी अगर कोई मोटिवेट हुआ हो मेरी आर्ट से कि हाँ हम आर्ट से भी ये चीज कर सकते हैं, नहीं पता था काफी लोगों को, बहुत काफी जनों ने मुझे कहा कि ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं, तो मतलब एक आइडिया आर्ट बहुत लोगों को आती है, मतलब आइडिया एक ऐसा होना चाहिए जो मतलब अच्छा हो जिससे आगे हम कुछ भी कर सकें, मतलब तो ये टॉपिक ये सब चीजें थी कि कैसे हम करें, ये ऐसे हुआ था फिर। मैंने आपकी काफी सारे ड्राइंग्स देखी, आपका पेज है मेगा स्पेशल, आपका यूट्यूब चैनल हाँ है, तो मैंने उसको भी विजिट किया था, काफी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, एक आपके पीछे भी है यही उसका कवर लगा हुआ है। हाँ ये मेरी एक मतलब बहुत फेवरेट ड्राइंग है, तो इसको मतलब मेरे को और कृष्णा की मैं बहुत बड़ी फैन भी हूँ, तो दोनों चीजें कनेक्टेड इसीलिए। और मेगा स्पेशल सिर्फ एक पेज नहीं है, एक्चुअल में वो एक मतलब एक कंपनी मैंने रजिस्टर्ड भी करवा रखी है जिसमें मैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं चाहे वो छोटा बड़ा, और अभी भी मतलब मैं प्रमोट भी कर रही हूँ, तो उसके अंदर मतलब वेबसाइट और सब बनाया है, और आगे आर्टिस्ट को कैसे हम उनकी पेंटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब मेरी खुद की भी करनी है ऑब्वियसली, और भी जो है जो नहीं कर पा रहे मतलब उन्होंने हॉबी के तौर पर उसको साइड में रख रखा है, और मैंने भी स्टार्टिंग में उसको साइड में लेके ही किया था, और अभी भी जैसे जॉब के साथ साथ ये चीज मैं कर रही हूँ, बट कैसे जो हमारी हॉबी होती है जो पैशन होता है ना उसके लिए हम कैसे भी टाइम निकाल सकते हैं, तो मतलब ऐसे ही काफी सारे मेरे जैसे और भी बहुत है लोग जो इन चीज पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनको अपने साथ जोड़ रही हूँ, और मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे उनकी पेंटिंग्स उनकी आर्ट को एक्सप्लोर कर सकूँ मैं मेरे साथ साथ, तो ये मतलब एक पेज के साथ मैंने उसको एक कंपनी भी काफी टाइम से कर रखी है, तो उसका उस पर काम चल रहा है। हाँ वैसे मेरे भी कॉन्टेक्ट में काफी सारे आर्ट या पोर्ट्रेट बनाने वाले कुछ मेरे भी अच्छा रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, मे बी वो मेगा स्पेशल्स पे अपना कंटेंट डालकर हाँ आपकी जरूर। ट्रेन आपकी आइडिया पे यूज करें। तो मेघा ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जर्नी क्या रहती है, कैसे उसके अप्लाई करते हैं, या कोई अगला नया बंदा अगर कुछ सोचते हैं उसको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, क्या प्रोसीजर रहता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाने का, या उससे क्या टेस्टिंग होती है, कैसे इसकी जर्नी रहती है? नहीं इसकी जर्नी तो यही है कि देखो आपको पहले गूगल पे आपको करना होगा, और आपकी आप क्या चीज कर सकते हो उसका आपको एम लेकर चलना पड़ेगा कि ये तो मैं कर ही लूंगी या कर ही लूंगा चाहे कैसे भी करना है। अब उस पे आपको रिसर्च पूरी गूगल ही किया था मैंने भी, और पूरा रिसर्च करना होगा, उसके बाद जो उसकी वेबसाइट है GWR की उस पे जाके आपको रजिस्टर करवाना होगा, और फिर उसके बाद में उनकी जो कन्वर्सेशन चलती है मतलब कि अगर आप अगर वो सेलेक्ट कर लेते हैं आपकी जो भी चीज है, चाहे मैंने ड्राइंग के फील्ड में करा तो मुझे ड्राइंग का पता है, अगर कोई किसी और में करना चाहता है तो शायद सबके प्रोसीजर मतलब अलग है, ऐसा नहीं है कि जो मेरा था वही किसी और का होगा, ये जहां तक मुझे अभी लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो। और बाकी ये जो है कि उसकी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करवाना होगा, फिर अगर वो सेलेक्ट करते हैं तो आगे का जो प्रोसीजर है वो सबके लिए अलग अलग है, और कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी है कि वो शायद नहीं बतानी होती है, ऐसा कुछ भी है उसमें जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब सेम यही है सबके लिए, मतलब यही चीज है। तो आर्ट के फील्ड में भी यही है कि जैसे मैंने अपनी ड्राइंग भेजी थी तो वो कोई 100% श्योर नहीं था, उनके जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग मेरी ड्राइंग होनी चाहिए थी, मतलब उनके कुछ रूल्स थे काफी सारे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने वो ड्राइंग बनाई थी, तो वो ड्राइंग भी एक सेलेक्ट होना भी एक मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक है, अदरवाइज अगर वो ही उस टाइम से उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हम नहीं फॉलो करें और वो अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आगे का तो काम ही नहीं हो सकता, तो वो सेलेक्ट होना, और उसके बाद में भी उनकी बहुत सारी गाइडलाइंस है, बहुत बड़ी गाइडलाइंस है, मतलब होगी काफी 50 पन्नों की या शायद उससे ज्यादा, तो वो सारी फॉलो करनी होती है, और उधर भी रूल्स जैसे मैंने भी किया था कि मेरे को बनाना है ड्राइंग, खाली मैं अकेली बना रही हूँ कोई और हेल्प नहीं कर सकता, ये सब ऐसे करके काफी सारे रूल्स थे वो फॉलो करने हैं, मतलब हर किसी के लिए ऐसा ही रूल है कि उनको गाइडलाइन फॉलो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है, तो यही प्रोसीजर है मेबी उसका। ये वीडियो उनके लिए काम की हो सकती है जो आगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सोचती है, और आपके रिकॉर्ड तोड़ने का भी सोचती है, मेक हाँ मेक यूजफुल टू देम। तो हाँ मेघा आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा और भी कई सारे मेडल्स गोल्ड मेडल्स जीते हैं आपने, और आपने MS इनकी
एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड भी जीता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मतलब जब बीकानेर के अंदर एमएसएमई का था, तब वो मेरा ये वाला आइडिया था कि मैं मेगा स्पेशल मतलब एक कुछ करना चाहती हूँ जिसमें सारे आर्टिस्ट, सिर्फ बड़ी सिटी नहीं, सारी जैसे बीकानेर के तो होने ही चाहिए एटलीस्ट, कि बीकानेर के आर्टिस्ट ऐसे ही ना बैठे, उनको ये ना लगे कि बस आर्ट ही तो है, इसमें हम क्या कुछ करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सारे जो आर्टिस्ट है उनको कनेक्ट करना है, और उसके बाद में कैसे जो पेंटिंग्स है उनकी, ड्राइंग पेंटिंग और भी जो आर्ट है वो कैसे प्रमोट करनी है। तो ये जो आइडिया था वो एमएसएमई जो ग्रुप थे उनको अच्छा लगा इनिशिएटिव मेरा, तो उन्होंने मुझे एक तो ये अवार्ड भी दिया था, कि उसमें उस टाइम सिर्फ एक मैं ही मतलब एज अ गर्ल ओनली मैं ही थी, ये ऐसा आइडिया का कोई भी तरह का जो बिजनेस आइडिया था वो एक यही था। और साथ में ये था कि उन्होंने फिर मुझे प्रगति मैदान में स्पॉन्सरशिप दी थी, प्रगति मैदान में मैंने अपनी एग्जीबिशन लगाई थी, और वहाँ का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा था, लोगों को बहुत अच्छी लगी थी पेंटिंग, और मेरा आइडिया भी अच्छा लगा था, तो कुछ लोग वहाँ से भी मेरे कनेक्ट हुए थे। ऐसे ही अब अभी लॉकडाउन है तो देखो आगे भी सब कनेक्ट होंगे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने के बाद आपकी क्या जर्नी रही बीकानेर में, कहाँ कहाँ से आपको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, या क्या क्या अभी तक आपने कितने क्या जर्नी? अब ऐसे तो काफी जगह मैं गई थी, एक तो सबसे पहले तो मैम ने ही बुलाया था, ऐसे काफी सुशीला जी ने बुलाया था मुझे, महापौर ने, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, ऐसे बीकानेर में काफी जनों ने सम्मानित भी किया था, और बाहर से भी एक दो आए हुए हैं कॉल, बट अभी लॉकडाउन के कारण वो नहीं हो रहे, मतलब एज अ फर्स्ट लेडी करके भी है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी बाद में उसमें नाम आया था मेरा, तो ऐसे काफी जनों ने और भी बुलाया है, और बीकानेर वालों ने तो बहुत प्यार दिया ही है, उसका तो कोई है ही नहीं, काफी सपोर्ट बहुत ज्यादा था, मोटिवेशन जो था वो मेन उनका ही था कि नहीं आप कर लोगे, वहां पे भी काफी लोग आए थे मुझे मोटिवेट करने के लिए, और बाहर से भी जैसे केरला से आए थे, पंजाब से आए थे लोग देखने के लिए, ऐसे बाहर से भी काफी लोग आए थे, जैसे उनको पता चला था तो वो देखने के लिए आए थे स्पेशली, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो इतना मोटिवेट करने आ रहे हैं लोग, तो अब आगे आपके क्या मोटिव रहेंगे, क्या मोटिवेशन रहेगा आपकी साइड, एंटरप्रेन्योर को ज्यादा मोटिवेट करती है उसको लेकर, या अपने आप को लेकर आप और क्या करना चाहते हैं? वो तो अब पता चलेगा आपको क्या करना चाहते हैं और जो मेगा स्पेशल है उसको तो उस पर भी मैं काम कर ही रही हूँ, जैसे मेरा डिजाइनिंग का है, साथ में उसके वेबसाइट और उसके और भी जो आइडियाज हैं उस पर मैं काम कर रही हूँ, तो उसको तो मुझे करना ही है आगे, और मेरे खुद के लिए भी मुझे आगे मेरे प्लान्स है बहुत सारे, लेट्स सी कि क्या क्या होता है, तो आर्ट से रिलेटेड और डिजाइनिंग दोनों को कंबाइन करके आगे आइडिया है कि उससे रिलेटेड करना है, और हो सकता है कि गिनीज भी एक और के लिए ट्राई कर सकूं देखते हैं क्या होता है। आपका बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मोटिवेशन है, और मुझे पक्का विश्वास है इस वीडियो को जो भी देखेगा वो भी डेफिनेटली आर्ट के फील्ड में तो बहुत इंस्पायर हो जाएगा, तो मेरा ये स्टोरी जो है ये बहुत नया इनिशिएटिव है, आप इससे आके कैसा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली कि मैं भी लड़की आप भी मतलब सब लोग एक दूसरे को, हम लोग ही तो आगे बढ़ाएंगे, तो ये एक काफी अच्छी चीज है, और मैंने आपके वीडियोस भी देखे थे काफी, मतलब अच्छे अच्छे सबको इनिशिएटिव जिन्होंने भी लिए हैं उनको आप कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे ही लोग इंस्पायर होंगे, जैसे मैंने भी एक जिनका वीडियो देखा था तो उससे भी मुझे लगा कि हाँ मुझे भी और कुछ आइडिया करना चाहिए, तो उस सर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनका भी काफी अच्छा आइडिया था, मुझे तो उसका मींस पता था बट ये नहीं पता था कि वो वही है वो सर, तो उनका देखे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमें भी देखेंगे कोई एक आधा हमसे भी इंस्पायर हो जाएगा, और कोई आपसे भी काफी लोग इंस्पायर होंगे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सबको कनेक्ट करने का, तो ये भी एक कनेक्टिविटी का काफी अच्छा जरिया है कि आप सबको इंस्पायर करने में आप हेल्प करेंगे, नहीं तो सबको पता भी नहीं होता है ना कि कौन क्या कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज है काफी, तो आपको भी थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। आपको मेगा बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति सक्सेस स्टोरी आने के लिए, और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी अप्रिशिएशन हमारी तरफ से आपकी और आपकी फैमिली को, तो थैंक यू मेगा फॉर बीइंग हियर, बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।
Thank you. Yeah. Okay, thank you. If you want to know more about Megha's art, please do follow her on our social media accounts. Links are given in the description box. And guys, if you like the content of the video, please do like, share and subscribe my channel. You can also follow me on Instagram. Thank you.